आज डिस्कशन तो करना है हमको थोड़ा, है ना। लेकिन उसके पहले क्या है, थोड़ा से एक दो एग्जांपल मैं और तुम्हें करा देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स और दीज आर कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स और रेडियस कैपिटल आर एंड एक की रेडियस है कैपिटल आर और एक की रेडियस है कितना, टू आर। इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है टू डी, ठीक है। इफ द टू स्फेरिकल शेल्स आर कनेक्टेड बाय और कंडक्टिंग वायर देन फाइंड द चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द Find the charge that flows through the तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कंसेप्ट तो वही है यहाँ पर भी कि चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब देखो, मान लो कि चार्ज वगैरह फ्लो सब करने के बाद अंदर वाले के पास चार्ज हो गया क्यू वन और बाहर वाले के पास चार्ज हो गया क्यू। अंदर वाले के पास चार्ज हो गया क्यू वन, बाहर वाले के पास चार्ज हो गया क्यू। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फेयर। अब यहां पर क्या होगा, जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो एक स्फेयर का उसके खुद के वजह से ही नहीं होगा बल्कि बाहर वाले की वजह से भी होगा। तो इनर वाले का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से,
वो हो गया के क्यू वन बाई कैपिटल आर प्लस उसका पोटेंशियल बाहर वाले के चार्ज की वजह से, तो वो हो गया के क्यू टू बाई टू आर। और आउटर स्फेयर का जब पोटेंशियल लिखूंगा तो क्यू वन की वजह से आएगा के क्यू वन बाई टू आर, और क्यू टू की वजह से आएगा के क्यू टू बाई टू आर। तो क्या होगा, के क्यू टू बाई टू आर से के क्यू टू बाई टू आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, के क्यू वन बाई आर इक्वल टू के क्यू वन बाई टू आर। दैट मीन्स के क्यू वन बाई टू आर इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू वन इज इक्वल टू। ये बात समझ में आती है, मतलब अल्टीमेटली अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले को चला जाएगा। दूसरी इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन की भी तो लगाएंगे, तो क्यू वन प्लस क्यू टू किसके बराबर होना चाहिए, थ्री क्यू के बराबर, क्योंकि तो आपस में ही चार्ज शेयर हुआ है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, क्यू वन की वैल्यू जीरो हो गई और क्यू टू बराबर हो गया किसके, पूरा का पूरा थ्री क्यू के। ये हमेशा ही होगा बेटे। सर हाँ बोलो भाई। सर वी इनर में सर बाहर की वजह से तो नहीं पोटेंशियल आएगा ना, मतलब वो तो उसके बाहर हाँ, तो इनर वाले का बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल लिखा है ना, इनर वाले का खुद के चार्ज की वजह से इतना आया और इनर वाले का बाहर की वजह से इतना आया। सर बाहर वाला नहीं आना चाहिए ना, मतलब वो तो क्यों? उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, पोटेंशियल तो प्रोड्यूस करता है ना भाई। हाँ सर, एक हॉलो स्फेयर के अंदर पोटेंशियल थोड़ी जीरो होता, समझा सर। सर आज ही लेसन का लास्ट डे या कल भी यही लोग यार, क्या बोल रहे हो बेटे, मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी सिर्फ उसका मिसेलेनियस चल रहा है ना ये सब क्वेश्चंस। आज खत्म हो जाएगा सर पूरा। हाँ आज मतलब अपना आज दूसरा चैप्टर चालू कर देंगे हम लोग, ग्रेविटेशन आज चालू कर देंगे। अच्छा ये चीज समझ में आई तुमको? सर इसमें आउटर शेल के अंदर मतलब क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए, तो वैसे क्या क्या बोल रहे हो बेटे? हाँ मतलब उस देखो आप वैसे भी कर सकते हो कि क्या है ये वाला जो वायर है ना, बेसिकली ये भी तो एक कंडक्टिंग वायर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का एक तरीका क्या है कि जो चार्ज है वो पूरा का पूरा बाहर वाले पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और अंदर वाले का चार्ज जीरो कर दूं, क्योंकि अंदर वाले पे अगर चार्ज रहेगा तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही रहेगा। तो ऐसा भी सोच सकते थे आप कि भाई फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी, सही चार्ज बाहर मूव करना फ्री होगा मतलब बंद होगा, तो फिर अपन ऐसे इसको कर सकते। अच्छा और देखो मान लो हमसे ये कहा जाए कि ये एक स्फेयर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, शेल्स हैं है ना, कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स हैं, हैविंग रेडियस आर वन एंड and charges q1 and अंदर वाले की रेडियस r1, उस पे चार्ज q1,
बाहर वाले की रेडियस आर टू, उस पे चार्ज। अब हमने क्या किया, इनर स्फेयर को हम अर्थ कर देते हैं। है ना, ये जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है अभी अभी, ये वाला, इस सिंबल का मतलब क्या है, ग्राउंड, तार लेकर के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इफ द इनर शेल इज अर्थ, then find the charges on both the find the charges on both the shells. अब देखो बेटे, अर्थ क्या होता है, अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज कंडक्टर, अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर, एंड इट्स पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल जीरो के पीछे क्या लॉजिक है बेटे, पोटेंशियल जीरो के पीछे लॉजिक है, देखो जनरली हम क्या कहते हैं कि जीरो पोटेंशियल किसको मानते हैं अपन, जो बहुत दूर एक पॉइंट होता है, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो बोलते हैं, है ना। अब अर्थ एक कंडक्टर है तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करो कि अर्थ, जैसे अपन यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से चलते चलते अर्थ की सरफेस के अलोंग बहुत दूर पहुंच जाए, तो उस बहुत दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, बिकॉज यही मानते हैं अपन, वो हमारा अजम्पशन ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल अर्थ के जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर ऑल्सो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेन एवर any conductor is earth, the potential of that conductor will become equal to potential of earth, which is will become equal to potential of earth, जो कि कितना है, जो कि बराबर है zero। अच्छा, बाहर वाले शेल के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, तो उसका तो चार्ज जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो क्या होगा बेटे, सिर्फ अंदर वाले का चार्ज ही चेंज होगा। तो हम मान लेते हैं कि फाइनली अंदर वाले पे चार्ज आ गया है एक्स और बाहर वाले पे चार्ज आ गया है क्यू। तो क्या है, हमें क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर को जीरो कर देना। अब इसका पोटेंशियल कैसे लिखें,
इसके खुद के चार्ज की वजह से, तो वो आ जाएगा के एक्स बाई आर वन प्लस आउटर वाले के चार्ज की वजह से पे आ जाएगा के क्यू टू बाई आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, माइनस आर वन बाई आर टू मल्टीप्लाइड बाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर वन बाई आर टू मल्टीप्लाइड बाई टू। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर एक मिनट, पिछला पेज दिखाऊं। ये जीरो कैसे हो पा रहा है? हाँ बच्चा हो गया, नोट कर लिया ये वाला? हाँ सर। ओके देखो, जैसे मान लो के इसी सवाल में हमसे यूं कह दिया जाए कि इनर वाले को अर्थ करने की जगह आउटर वाले को अर्थ कर दें, तो क्या होगा? इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, ये R1 रेडियस है, बाहर वाले का रेडियस R2 है, और आउटर स्फीयर इस पर, तो दोनों का पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर, अगर अर्थ किसी भी एक को अर्थ करने के बाद दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल जीरो कर देंगे तो उस केस में तो क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज ही अर्थ में फ्लो कर जाएगा। सर लास्ट पेज दिखा सकते हो आप? सर इसके पहले भी एक किया ना हम लोगों ने,
क्या आया बच्चों? आउटर वाले को हमने सर दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, साइन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनर वाले पे तो बदलने की जरूरत नहीं है, बाहर वाले पर एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले का पोटेंशियल को आप जीरो कर दो तो के क्यू वन बाई आर टू प्लस के एक्स बाय आर टू दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस क्यू वन आ जाए, है ना। इनर वाले पे तो Q1 ही रहेगा, बाहर वाले पर Q2 आ जाएगा। अच्छा ये Q1 और Q2 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इस पे भी अपन चर्चा कर लें। तो क्या होगा, देखो इनर वाले की इनर सरफेस पे तो चार्ज जीरो रहे, इनर वाले की इनर सरफेस पे तो चार्ज जीरो रहे, और आउटर वाले की इनर सरफेस पे कितना मतलब ऐसा हो जाए, यहाँ चार्ज जीरो और बाहर क्यू वन, यहाँ क्यू वन है तो यहाँ माइनस क्यू वन और आउटर मोस्ट पे जीरो, यहाँ भी आमने सामने वाली फेसेस पर चार्ज बराबर हो, है ना। तो इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो ऐसे हो, क्या ये बात समझ में आती है सर? अगर अर्थ नहीं किया रहता तो जीरो नहीं रहता का आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे? नहीं, अर्थ करने के पहले क्या था, अर्थ करने के पहले ऐसा रहा होगा कि यहाँ जीरो, यहाँ क्यू वन, यहाँ माइनस क्यू वन, माइनस क्यू वन और बाहर क्यू टू प्लस, इनर वाले की इनर पे तो जीरो ही होगा ना, इनर वाले के इनर पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जितना कैविटी में रखा होगा उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। आई बस समझ में, और देखो चलो तीन स्फीयर का लेते हैं सर। सर वो जो दूसरा वाला था मतलब अर्थ करने के बाद उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू वन है तो आउटर सरफेस पे भी प्लस क्यू वन हो जाएगा ना सर? क्यों, टोटली उसका कितना है, टोटल चार्ज उसका अपन ने पता किया ना, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस क्यू वन आई थी ना, एक्स क्या था, आउटर वाले का टोटल चार्ज, आउटर वाले का टोटल चार्ज आया था माइनस क्यू वन। अब ये पूरा का पूरा किस पे आ गया, इनर सरफेस पे, तो बाहर वाले के जाने के लिए कोई चार्ज ही नहीं बचा। व्हाट इज एक्स, एक्स इज टोटल चार्ज ऑन आउटर शेल एंड टोटल चार्ज ऑन आउटर शेल मस्ट बी माइनस क्यू वन एंड दैट एंटायर माइनस क्यू वन मस्ट ऑल्सो अपियर ऑन इनर सरफेस, तो बाहर वाले के लिए जाने के लिए कोई चार्ज ही नहीं बचा। ओके सर, रजीश की रिपोर्ट देखते हुए। यस सर, ग्री कॉन्सेंट्रेट। हाँ थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स, और
मान लो इन पे चार्ज है क्यू टू क्यू थ्री क्यू, ऐसे चार्ज है, रेडियस है आर टू आर एंड थ्री आर, ठीक है। मिडिल शेल को मैंने अर्थ कर दिया, इफ द शेल ऑफ रेडियस टू आर इज अर्थ, then find the charge on the middle sphere, middle shell. Also find charge on all the surfaces individually. सारी सरफेसेस पर अलग अलग चार्ज पता करना हो तो वो कितना, सर मिडल सेल मतलब दो सेल के अंदर वाला या सबसे बीच वाला, उस पे किस पे फाइंड करना है? वे तीन ही तो हैं, तीन है ना, तो बीच वाला ना भैया। ओके सर, भाई जिसको हमने अर्थ किया ही नहीं उस उन पे चार्ज तो बदलेगा ही नहीं। अरे वाह, इतने सारे लोगों का आंसर आ गया। अच्छा सबसे पहले तो तुम मिडिल शेल पे टोटल चार्ज बताना, मिडिल जो बीच वाला शेल है उसका टोटल चार्ज कितना। थ्री के क्यू आर बाय आर,
देखो कैसा करें बच्चों, बीच वाले शेल पे चार्ज एक्स मान लेते हैं, बाकी उनका तो चार्ज बदलेगा नहीं, तो पोटेंशियल ऑफ मिडिल शेल को जीरो कर देने का है, तो अंदर वाले की वजह से क्या होगा, उसका पोटेंशियल के क्यू बाई टू आर, उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा के एक्स बाई टू आर, और बाहर वाले की वजह से होगा के थ्री क्यू बाई थ्री आर। दिस मस्ट बी सी, अभी इधर के बाई आर से मैं के बाई आर कैंसिल कर ही देता हूँ, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एक्स बाई टू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस क्यू बाई टू, तो एक्स बाई टू हो गया माइनस थ्री क्यू बाई टू, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री क्यू आ गई। ये कितने लोगों का आ गया था यार, सबसे पहले तो इस बात पे रेज योर हैंड हो जाए, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री क्यू कितने लोगों का, प्लीज रेज योर हैंड। तीन हाथ उठे हैं अभी तक, चार। उतना इंसाफी है, उतना इंसाफी है, सिर्फ पांच। भाई क्या हो रहा है, बाकी लोग भी करो यार, मैं तो सोच रहा था कम से कम 40-45 हाथ उठेंगे, बहुत तो आसान है, इतना तो आसान है भाई, क्या किस कौन सी टर्म लिखने में दिक्कत आ रही है, आर्य आर्य पाटिल तुम्हारा हुआ क्या बेटे, फर्स्ट टर्म, अरे एक शेल की वजह से बाहर इस जगह का पोटेंशियल लिखना है, इस शेल की वजह से तो कैसे लिखते हैं, बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और बाहर वाले की वजह से अंदर वाले का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, के क्यू अपॉन रेडियस, भाई ये वाला फॉर्मूला याद करो ना, तो ये शेल है, इस शेल के अंदर जब हम पोटेंशियल लिखा करते थे तो क्या फॉर्मूला होता था, के क्यू बाई कैपिटल आर, और जब बाहर लिखा करते थे पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो वो होता था के क्यू बाई स्मॉल आर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप पोटेंशियल किसका लिखने वाले, किसकी वजह से लिखने वाले, मैं यहाँ पे किसी पॉइंट का पोटेंशियल लेकर के लिखना चाह रहा हूँ, इसकी वजह से लिखा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यूज हुआ, क्योंकि फॉर दिस इनर मोस्ट स्फीयर द मिडिल स्फीयर लाइज आउटसाइड, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, बट व्हाट इज द स्मॉल आर, स्मॉल आर इज 2 इनटू कैपिटल आर, एंड फॉर द मिडिल स्फीयर यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, इट विल गिव यू द सेम आंसर, क्योंकि बाउंड्री वाला पॉइंट है, तो के टू क्यू बाई टू आर। नाउ फॉर द आउटर स्फीयर आई वॉन्ट टू राइट पोटेंशियल ऑफ द मिडिल स्फीयर, तो आउटर वाले की वजह से मिडिल का पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो के उसका चार्ज अपॉन उसकी रेडियस, सो दैट इज 3 आर। यस, अब वंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस चार्ज माइनस 3 क्यू, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना,
इस पे ये इस पे चार्ज टोटल चार्ज क्यू है ना, तो इनर वाले की इनर पे तो चार्ज जीरो होगा, तो इसका पूरा का पूरा चार्ज इधर आ जाएगा। ये क्यू है तो इधर माइनस क्यू होगा, ये माइनस क्यू है तो बाहर वाले पे माइनस टू क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस टू क्यू है तो इधर प्लस टू क्यू आ जाएगा, और टोटल चार्ज थ्री क्यू होना चाहिए तो इधर क्यू आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आता है कुछ? फर्स्ट शेल के इनर पे जीरो, आउटर पे क्यू, सेकंड के इनर पे माइनस क्यू, आउटर पे माइनस। सर फाइनल वाले पे एक बच्चे ने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है संजय ने, वेरी गुड। हाँ बोलो बेटे, फाइनल वाले का क्या हुआ? सर फाइनल वाले पे थ्री क्यू तो पहले से बाहर था और ये 2q इनर सरफेस का आ जाएगा, तो टोटल 5q नहीं, नहीं 3q बाहर नहीं था रे, कौन बोला बाहर था, 3q टोटल था उसको। देख मैंने लिखा भी हुआ ऐसे है, बिल्कुल बाउंड्री पे लिखा हुआ है मैंने जानबूझ के, ताकि ये बात कोई ना कहे कि सर वो बाहर है। ये सब क्या है, दीज आर टोटल चार्जेस ऑन दिस। शुरू में पता ही है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, शुरू में यहाँ होगा जीरो, यहाँ होगा q, यहाँ होगा माइनस q, यहाँ होगा 3q, यहाँ होगा माइनस 3q और बाहर होगा 6q। शुरू में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये जो 3q है वो बाहर वाले का टोटल चार्ज है, जो q है वो इनर मोस्ट का टोटल चार्ज है, 2q मिडिल शेल का पहले टोटल चार्ज था, अर्थ करने के बाद उसका टोटल चार्ज हो गया माइनस 3q। अच्छा अरे एक बात तो मैंने पूछी नहीं, मुझे एक बात बताओ तो कि when middle shell was earth, what charge flows from middle earth to the from middle shell to the earth, फाइव क्यू है ना,
फाइव क्यू चार्ज फ्लोस फ्रॉम द इसका आंसर क्या होगा फाइव क्यू चार्ज फ्लोस फ्रॉम मिडिल शेल टू द फाइव क्यू चार्ज फ्लोस फ्रॉम मिडिल शेल टू द तो 2q था 2q में से 5q चला गया तो कितना बचा माइनस आप ऐसे मान सकते हो 2q था 2q में से x चला गया तो कितना बचा माइनस 3q तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 5q इक्वल टू भाई मैंने क्वेश्चन बिल्कुल नॉन एम्बिग्यूअस टाइप का पूछा था मेरे क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी कि क्या मैंने पूछा था व्हाट चार्ज फ्लोस फ्रॉम मिडिल शेल टू द अर्थ मिडिल शेल से अर्थ में कितना चार्ज फ्लो किया तो क्या इसकी कोई एम्बिग्यूटी थोड़ी है 5q फ्लो किया था माइनस ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ए बी सी डी आ जाएगा तो क्या आंसर लगाओगे तुम तो बताओ 5 क्यों लगाओ हाँ अगर ये पूछा जाता अर्थ से मिडिल शेल पे कितना चार्ज आया अर्थ से मिडिल चार्ज पे कितना फ्लो किया तो वो माइनस 5 क्यों अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ एंड देन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट दिस चैप्टर एंड वो चीज क्या है उस चीज को बताने का मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर वो चीज है इलेक्ट्रिक प्रेशर कहीं से भी जा सकता है ना ऐसा नहीं है अपर सरफेस से जाता है कहीं से भी जा सकता है इलेक्ट्रिक प्रेशर वो कंडक्टर तो पूरा सेव ही है ना यार इलेक्ट्रिक प्रेशर देखो क्या है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर वो कुछ नहीं प्रेशर क्या होता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या हो गया इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट देखो जैसे ये एक कंडक्टर है बच्चों कंसिडर दिस एज अ सॉलिड कंडक्टर
अब देखो क्या है कि मान लो इसके अलग अलग पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है ना, यहाँ पर कुछ अलग चार्ज डेंसिटी हो सकती है, यहाँ कुछ अलग चार्ज डेंसिटी हो सकती है, यहाँ कुछ अलग चार्ज डेंसिटी, दैट इज पॉसिबल, इट कैन हैपन, और दैट चार्ज डेंसिटी मे बी द रिजल्ट ऑफ सम चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड दिस कंडक्टर। मान लो इस कंडक्टर के बाहर यहाँ पर कुछ Q1, यहाँ Q2, यहाँ माइनस Q3, ये सब चार्ज इसको घेरे हुए हैं, कुछ अदृश्य चार्जेस भी हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे, उनकी वजह से क्या होगा, इसकी सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उसमें कहीं पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो सकती है, कहीं पे पॉजिटिव हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा मैं इसका कंसिडर कर लेता हूँ, ऐसा छोटा सा एरिया इसका कंसिडर कर लिया मैंने, जहां पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, व्हाट इज सिग्मा, ये मैंने पॉइंट कंसिडर किया पी, तो सिग्मा इज लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट, दिस इज सिग्मा। नाउ अगर ये सिग्मा पॉजिटिव हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, direction of electric field will be along normal to the surface at point P point पर perpendicular direction में intensity of electric field, ये point, ये यहाँ का E vector, ठीक है। अब हम क्या, अच्छा ये E vector जो मैं बता रहा हूँ ना, this is the resultant intensity, not just due to sigma, but due to all the charges present in the vicinity, Q1, Q2, minus Q3, Q4, सब की वजह से मिला करके, E क्या है? E is resultant intensity at point P. इसकी वैल्यू पता लगानी है, इसकी वैल्यू कैसे पता लगाएं? तो देखो ये जो आपने यहां पर ये सरफेस कंसीडर करी है ना, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आप क्या करो, इतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया का एक गॉशियन सरफेस बना दो, मतलब कि एक क्लोज सरफेस बना दो, और वो क्लोज सरफेस की शेप कैसी ले लो, सिलेंड्रिकल शेप ले लो इसकी, है ना। अब इस सिलेंडर का कुछ हिस्सा कंडक्टर के अंदर है, कुछ हिस्सा कंडक्टर के जस्ट बाहर, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर मैंने कंसीडर किया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डीए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर तो इस तरह की होगी और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो देखो अगर इस सिलेंडर पे अपन गॉस लॉ अप्लाई करें, लेट अस अप्लाई गॉस लॉ ऑन दिस सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस is equal to Q inside divided by epsilon naught. देखना बहुत गॉस लॉ की बहुत सुंदर एप्लीकेशन है। E dot ds equal to Q inside by epsilon naught. अब E मुझे क्या निकालना है, पूरे क्लोज सरफेस में से, क्लोज सरफेस का क्या क्या हिस्सा है, कर्व पार्ट और वो दो फ्लैट डिस्क, जो कर्व पार्ट और जो फ्लैट डिस्क सिलेंडर के मतलब इस कंडक्टर के अंदर लाई कर रही है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट और जो कर्व जो फ्लैट डिस्क कंडक्टर के अंदर लाई कर रही है,
उसको तो भूल जाओ आप, उसमें से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, इतने हिस्से में से तो भूल जाओ, यहां से तो अपन मुक्त है, ई ही जीरो है तो कोई फ्लक्स पास होगा। अब इस हिस्से पे आते हैं, कौन सा वाला हिस्सा, जो कि कंडक्टर सिलेंडर का वो हिस्सा जो कि कंडक्टर के बाहर लाई करता है। अब उसके भी दो पार्ट है, कर्व पार्ट फ्लैट पार्ट। क्या कर्व पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ग्रेज करते हुए निकल जाएंगी? क्या कर्व पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए निकल जाएंगे? कर्व पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए निकल जाएंगी, तो कर्व पार्ट में से ई तो जीरो नहीं है, नोट दैट ई इज नॉट जीरो, बट ई का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, किसमें से, कर्व पार्ट में से। फ्लैट पार्ट जो है, कौन सा फ्लैट पार्ट, ये जो बाहर बाहर जो फ्लैट पार्ट, उस फ्लैट पार्ट के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ही ई वेक्टर है ना। जो बाहर वाला फ्लैट पार्ट है, इस सिलेंडर का बाहर वाला फ्लैट पार्ट, उसका नॉर्मल वेक्टर और ई वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है। मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो फ्लक्स को मैं ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वेयर वॉट इज डी ए? डी ए इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, this cross-sectional area of the cylinder, cylinder का cross-sectional area. अब अंदर कितना charge लिखूं मैं? इसके अंदर कितना charge लिखूं? देखो मैंने sigma localized surface charge density मानी थी, तो इस charge को क्या sigma into dA ऐसा लिख सकते हैं? sigma localized surface charge density थी, देखो charge सिर्फ यहीं पर तो होगा, इसकी boundary पर, तो वो sigma dA हो जाएगा, and that divided by epsilon. तो ये dA से dA cancel होता है, यानि E in the vicinity, just cylinder की surface पर, sir, क्या intensity of electric field आ जाएगी? Sigma by epsilon naught. और देखो Gauss law में अपन ने पढ़ा था कि left hand side में जो E आता है वो E resultant होता है, इसमें सारे charge का contribution आ जाता है। ये ध्यान दो, ये सिर्फ sigma की वजह से नहीं है बच्चों, इसमें सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन आ गया है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? तुम कहोगे यार सर अजीब बात कर रहे हो आप, ना इसमें Q1 दिख रहा है, ना Q2 दिख रहा है, ना Q3, ना माइनस Q3, ना Q4, ना Q5, और आप कह रहे हो कि ये E सबकी वजह से है। हाँ बेटे बिल्कुल सबकी वजह से है। देखो भले ही ये Q1, Q4, Q5, माइनस Q3 कर आपको इसे के एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जमा हुई है, क्या इन सब में सिग्मा में इन सब का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? कंडक्टर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोल रहे हैं सिग्मा, उस सिग्मा में इन सब का कंट्रीब्यूशन आ गया है, ठीक है? तो जो हमने सिग्मा के टर्म्स में ई लिखा है, हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपको किसी तरीके से वो सिग्मा की वैल्यू पता चल जाती है, तो उस पॉइंट, उस सिग्मा वाले सरफेस के जस्ट पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पॉजिटिव हुआ तो ई आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में आ जाएगा, सिग्मा नेगेटिव हुआ तो ई इनवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, ऐसा अपन बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर is given by the formula sigma by epsilon naught n cap, where sigma is localized surface charge density. अच्छा अब इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग आती है ना, के ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया, अब इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पता किया है, दिस कंडक्टर कैन बी ऑफ एनी शेप, बिल्कुल किसी भी शेप का, इसमें मैं क्या कहता हूं कि देखो ये जो छोटा सा सिग्मा है ना, ये जो छोटा सा सिग्मा है, ये जो छोटी सी सरफेस है,
आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने में कंडक्टर का भी योगदान होगा, बाकी बाहर के चार्जेस का भी योगदान होगा, और ये वाली जो छोटी सी अपन ने एरिया कंसिडर किया था इस एरिया का भी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो अपन ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे मैं फोर्स लिखना चाहता हूं। व्हाट इज द फोर्स डीएफएस, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ एरिया डी ए हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। डी एफ एस फोर्स ऑन सरफेस ऑफ एरिया डी ए, इस डी ए एरिया के सरफेस पर फोर्स अगर डी एफ है और उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर आ जाएगा ना बेटे, वो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी ए। अब ये फोर्स लिखने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, इसका चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज को मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा इंटू डी ए मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई लोग कहेंगे अरे सर ई तो पता कर लिया अपन ने, ई तो अभी पता कर लिया है, ई तो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां तक तो सही था, ये दोनों स्टेप गलत है। मतलब आई कैन नॉट राइट ई एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वाई, बिकॉज इन दिस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये जो डी ए एरिया है, ये डी ए जो एरिया है जिसका की चार्ज सिग्मा इंटू डी ए के बराबर है, इसका भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ बड़े बड़े चार्ज रखे हुए हैं, पूरा कंडक्टर है, इस छोटे से पिद्दी से चार्ज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें नेग्लिजिबल ही आएगा वो तो। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो बात क्या है कि हम यहाँ पर इसी की गली में बैठे हुए हैं। किसकी गली में, इस पॉइंट चार्ज, ये जो छोटा सा चार्ज है इसके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। तो इसके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं तो क्या है, इसका भले ही ये छोटा सा है लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं तो डेनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, तो आर भी बहुत छोटा है। तो इसकी वजह से भाई बांग्लादेश में खेलने जाते हैं तो बांग्लादेश की टीम भी स्ट्रांग बन जाती, बांग्लादेश में तो बांग्लादेश की टीम भी तेज खेल के आती है ना, होम ग्राउंड में तो सभी अच्छा खेल लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसका होम ग्राउंड है, इसमें इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये नहीं कह सकते कि अरे ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएं भाई, देखो जब अपन बोलते हैं कि एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई है, तो ई क्या होता है, इस चार्ज के अलावा जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तब जाके इस पे फोर्स आता है। तो जब आप इस डी ए पे फोर्स निकाल रहे हो, सिग्मा डी ए चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो, तो ई में से वो हटाना पड़ेगा मेरे को, इसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हटाना पड़ेगा। अब वो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले कैसे, अगेन बहुत ही शानदार लॉजिक है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, देखना क्या होता है, बिल्कुल लॉजिकली उसको डिड्यूस करते हैं। देखो लोगों ने कहा कि यार ऐसा करो, आप दो पॉइंट कंसीडर करो, एक इस सरफेस के जस्ट बाहर
और एक इस सरफेस के जस्ट अंदर। दो पॉइंट कंसिडर किए मैंने, एक इस सरफेस के जस्ट बाहर ये जो ओपनिंग है, और एक इस सरफेस के जस्ट अंदर, ठीक है। अब ये जो डीए डीए है, इसकी वजह से ई दोनों जगह पर बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो यहां पर ई ड्यू टू डीए ऐसा होगा और यहां पर ई ड्यू टू डीए ऐसा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में। और जो रिमेनिंग चार्जेस है ना, रिमेनिंग चार्जेस इसके अलावा जितने चार्जेस हैं, उन सबके लिए ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब भाई वो चार्ज तो इतने दूर हैं इससे कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल रहे हो कि यहां निकाल रहे हो। तो रिमेनिंग की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दोनों जगह पर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ई ड्यू टू रिमेनिंग जब मैं देखूंगा तो वो बाहर भी ऐसा होगा और अंदर भी ऐसा ही, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, रिमेनिंग चार्जेस की वजह से, है ना भाई। जैसे बात यह है कि मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ऐसा, ठीक है। इनकी वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इन दोनों पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा? इधर ब्लैक वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं या रेड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं? Q1, Q2, Q3 की वजह से रेड और ब्लैक दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा कि नहीं आएगा? EDA नहीं, ई ड्यू टू डीए। ई डीए का मतलब क्या है? ई ड्यू टू डीए। डीए की वजह से ई, रिमेनिंग की वजह से ई, समझा? तो अब क्या है, अब अंदर देखो, अंदर इस सरफेस के जस्ट अंदर क्या ई नेट जीरो होना चाहिए? अंदर ई नेट जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर ई नेट जीरो है। इसका मतलब क्या पता चल गया कि ई डी ए और ई ड्यू टू रिमेनिंग ये बराबर है। तो इसका मतलब बाहर अगर मैं देख, और अच्छा बाहर क्या है, बाहर अगर लिखूंगा तो ई ड्यू टू डी ए प्लस ई ड्यू टू रिमेनिंग कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई ड्यू टू डी ए और ई ड्यू टू रिमेनिंग बराबर भी है, तो टू टाइम्स ई ड्यू टू रिमेनिंग कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई ड्यू टू रिमेनिंग की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहां पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी चाहिए वो ई ड्यू टू रिमेनिंग ही लिखनी चाहिए, ई ड्यू टू रिमेनिंग ही लिखनी चाहिए। तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। रिमेनिंग कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रिमेनिंग इस डीए चार्ज के अलावा जो भी चार्जेस हैं, है ना। जैसे पिछले पेज पे मैंने बताया था ना, ये कुछ पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं बाहर, ठीक है। इन चार्जेस पे कंडक्टर के भी तो अलग अलग जगह पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या है? उस सरफेस पर जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो उस पे कुछ चार्ज है, उस चार्ज के अलावा सबका कंट्रीब्यूशन मैंने ई ड्यू टू रिमेनिंग मान लिया, क्योंकि सबका फोर्स लेना पड़ेगा, उसके अलावा सबका फोर्स लेना पड़ेगा। ई ड्यू टू डीए क्यों निकाल रहे हैं वो नहीं समझा? नहीं, हम ई ड्यू टू रिमेनिंग में इंटरेस्टेड, हम किस में इंटरेस्टेड हैं? ई ड्यू टू रिमेनिंग में इंटरेस्टेड है। और मुझे ई ड्यू टू ई टोटल पता है, मुझे ये पता है ई टोटल अंदर जीरो है, बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है,
एंड आई एम इंटरेस्टेड इन ई ड्यू टू रिमेनिंग. तो मैंने उसका क्या तरीका अपनाया कि भाई टोटल किसके बराबर होगा, दो ही तरह के चार्जेस हैं, या तो डीए या रिमेनिंग. तो टोटल में से डीए का कंट्रीब्यूशन हटा देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, और रिमेनिंग आएगा तभी तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे. देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर ई ड्यू टू डीए ई ड्यू टू रिमेनिंग के बराबर कैसे आया. देखो ई इनसाइड जीरो है ना, ई इनसाइड जीरो है कि नहीं. E inside zero है ना, तो E inside zero है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, E remaining और E DA, तभी तो E inside zero होगा, वरना कैसे हो जाए. अच्छा तुम पूछ रहे हो DA का contribution हटाई क्यों रहे हैं. अरे यार एक चार्ज कभी खुद पे फोर्स लगा सकता है क्या. यस यस बिल्कुल बिल्कुल सही बात तुमने पकड़ी है कि इसमें क्या हो रखा होगा, एक जो डीए चार्ज है वो रिमेनिंग के बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. वो चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग के बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. कहां पे, कहां पे, अपनी गली में, हर जगह पे नहीं, किधर, खुद के इलाके में, खुद डीए के बहुत पास, उन पॉइंट्स पर जहां से डीए की डिस्टेंस बहुत कम है. हाँ बेटे ये बात समझ में आई. तो ये जो अगर कंडक्टर की सरफेस पर किसी भी एक पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वहां पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन. यस यस बिल्कुल 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 एप्लीकेबल होगा. किसी भी कंडक्टिंग, कंडक्टर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर के लिए कहाँ है. चार्ज पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल के लिए क्या करोगे तुम. उसके लिए फोर्स पर यूनिट एरिया का कोई क्या मतलब है यार, उसके लिए कुछ. एक पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या मतलब, कोई मतलब. तो बच्चों विद दिस वी कंप्लीट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना. अभी
अब देखो हम अब क्या है, ग्रेविटेशन के बारे में मैं थोड़ा तुमको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है? न्यूटन गेव दिस लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है भाई? दो पार्टिकल्स हैं जिसका मास m1 और m2 है, तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, ठीक है, एंड दे विल ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर विच इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, एंड इफ आर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज मासेस, तो जो फोर्स ये एक दूसरे पे लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड होगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सर ये सब नोट्स में लिखना है ना अभी? हाँ बेटे ये सब अभी नोट्स में लिखना है ना? हाँ क्यों नहीं लिखना भाई, ठीक है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसको 20/3 भी लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक बहुत मैसिव अंतर क्या होता है, दोनों मास पॉजिटिव ही होंगे हमेशा, बट डिस्पाइट मासेस बीइंग पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का। ये डिफरेंट है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलैरिटी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ की सिमिलैरिटी। तो इस वजह से हम देखेंगे कि क्या होगा। देखो वहां पर दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते थे, यहाँ पर दो पॉजिटिव मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और मास हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना? इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हम यहाँ पर भी वही सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन करते थे, क्या जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ डिफाइन करेंगे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इंटेंसिटी के टर्म्स में मास इनटू
इंटेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी, इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। इसकी यूनिट होती थी न्यूटन पर कूलम। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी क्या, न्यूटन पर केजी, ऐसा ही होगा। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ होती थी के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन जब एक पॉइंट मास की वजह से आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो उसका जी एम बाय आर स्क्वायर आएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी इनवर्ड आएगी। देखो मास पॉजिटिव है तो फोर्स एंड आई वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटेंसिटी विल बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट मास है ना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फोर्स पर एक किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स इज इंटेंसिटी। तो एक किलोग्राम पार्टिकल यहाँ पे लाके रखोगे तो उसको कैपिटल एम अट्रैक्ट ही करेगा ना, तो इस तरह से इंटेंसिटी हो जाएगी। वहां भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते थे, इधर भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते। मतलब दो से ज्यादा तीन चार चार्जेस हैं, किसी भी एक पे नेट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबके चार्जेस का सब मासेस का फोर्स ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आप सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। जैसे क्या है, कई सारे मासेस हैं M1 M2 M3, इनकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी पता लगानी है तो GM1 by R1 square, GM2 by R2 square, GM3 by R3 square, इन सारी इंटेंसिटीज को वेक्टरली ऐड कर दो तो आपके पास रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, है ना। जो फॉर्मूले वहां आपने इंटेंसिटी के डिराइव किए थे वही आप यहाँ भी डिराइव कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, एक रिंग है m मास की, r रेडियस की, इससे x डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी लिखनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, gmx/r² + x² / 3। k को रिप्लेस कर दो जी से, वहां फॉर्मूला होता था kqx/r² + x² / 3/2, यहां हो जाएगा gmx/r² + x² / 3/2। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसका लैम्डा मान लो लीनियर मास डेंसिटी, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 2g λ/r। वो डायरेक्शन इनवर्ड होगी, बस ये ध्यान हमें रखना है। ये पॉजिटिव मास अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सबके वैसे के वैसे ही फॉर्मूले यहां पर बनते चले जाएंगे। हॉलो स्फेयर की वजह से लिखना है तो अंदर इंटेंसिटी जीरो, बाहर इंटेंसिटी gm/r² सॉलिड स्फेयर की वजह से लिखना है अंदर इंटेंसिटी gm/r / r³ और बाहर इंटेंसिटी gm/r²।
बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ऑब्जेक्ट्स भी ग्रेविटी शो करेंगे ये जो, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये बहुत वीक होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। अगर हम क्या करें बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन्स लें, इफ वी टेक टू इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का रेशो निकालें, है ना, एफ ई अपॉन एफ जी का रेशो अगर मैं निकालू तो ये वैल्यू 10^42 तक जाती, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फार ग्रेटर देन मिलियन 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 मिलियन, 7 times million आएगा, उतना फैक्टर से बड़ा है ये। तो इसलिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस नहीं होता है। छोटे ऑब्जेक्ट का फील नहीं होता। टू फील ग्रेविटेशनल फोर्स यू नीड अ रियली मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ, लाइक सन, है ना, बड़े ऑब्जेक्ट्स का ही ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता। अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड स्फीयर। अर्थ बिल्कुल हॉलो स्फीयर नहीं है भाई, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, मास आता है, तो मास तो हर जगह है ना अर्थ के। अर्थ ऐसा थोड़ी है कि अपन अर्थ में ऐसा होता है क्या कि गड्ढा खोदे तो सीधा बिल्कुल थोड़ी देर के बाद हॉलो, सीधा इंडिया से गड्ढा खोदा टक 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 अमेरिका में पहुंच गया, थोड़ी देर बिल्कुल मास निकलता ही जाता है ना। अर्थ में पढ़ते हो ना तुम ज्योग्राफी में, कोर होता है, कोर में बहुत सारा मेटल मॉल्टन स्टेट में अर्थ में पड़ा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेक्शन एच तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ई एफ जी एच आई भी डिस्कस कर चुके थे ना, अब हमको डिस्कस करना है एक तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन जे और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट। ये दोनों मैंने पिछली क्लास में भी दे चुका था, अच्छा आई बाकी था तो आई कर लेते, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 ये डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में सबसे पहले यही डिस्कस करें। सर हेलो सर, हाँ हाँ बेटा सर, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होने में कितने लेक्चर लगेंगे मतलब अप्रोक्स? यार 3 लेक्चर मानो, सर 3 में हो जाएगा 3 लेक्चर, हाँ, क्योंकि देखो अब अपन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह के फॉर्मूले दोबारा तो डिराइव करेंगे नहीं, है ना, जैसे स्फीयर का, रिंग का इंटेंस intensity of gravitational field is same as intensity of electric field, है ना, तो वही जो फॉर्मूले हैं उनके खाली अपन फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको यूज करना है ना, तो 3 लेक्चर में ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो सर। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। You had said this, बाहर वाली एनर्जी इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर, व्हाट दिस मींस? देखो इसका मतलब ये है भाई, हमने पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया था ना, हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो किसी चार्ज कॉन्फिगरेशन का तो वो चार्ज कॉन्फिगरेशन का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी करके इंटीग्रेट कर दोगे तो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। दिस इज अ वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट वरिंग अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखें तो हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो होता नहीं है, सिर्फ बाहर ही होता है,
है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है होलोस्फेयर की, तो अंदर एनर्जी डेंसिटी भी जीरो है। एनर्जी डेंसिटी जीरो है तो हम कहेंगे कि अंदर कोई एनर्जी इसकी प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज E इनसाइड होलोस्फेयर इज जीरो। व्हाटएवर पोटेंशियल एनर्जी इज, दैट इज बिकॉज ऑफ E प्रेजेंट आउटसाइड द होलोस्फेयर। ये है उस स्टेटमेंट का मतलब कि बाहर वाली एनर्जी इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी ऑफ होलोस्फेयर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, एनर्जी आउटसाइड सॉलिड स्फीयर। हाँ देखो, सॉलिड स्फीयर के बाहर वाला जो रीजन है उसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने जाओगे तो वो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली हॉलो स्फीयर जैसा ही आएगा कि नहीं आएगा? सॉलिड स्फीयर के बाहर जब इंटेंसिटी लिखने जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली हॉलो स्फीयर के जैसा ही आएगा। अब आपको सॉलिड स्फीयर के बाहर एनर्जी निकालनी है कि कितनी स्टोर्ड है, तो आप क्या करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी करके कैपिटल आर से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, है ना? ये जो इंटीग्रेशन है, क्या ये इंटीग्रेशन होलोस्फेयर के जैसा ही आ जाएगा? अब ये इंटीग्रेशन अगर होलोस्फेयर के जैसा ही आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन क्या आता है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर ही तो आता है होलोस्फेयर, है ना? तो वो मतलब था उसको दोबारा, मतलब इंटीग्रेट नहीं किया हमने, ये कह दिया कि अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉलो वाला जैसा ही है, तो इंटीग्रेशन वही आएगा जो हॉलो में आया। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आया भाई सबको? फील आई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कि नहीं आई? यस सर। इसके और शीट डिस्कस करेंगे तो और हमारा थोड़ा पक्का हो जाएगा, है ना? तो ये अगली क्लास में ये दोनों होमवर्क जरूर करके लाने हैं। अभी के लिए